हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में हम अकाउंट्स के सिलेबस को देख रहे थे और अकाउंट्स में आज हमारा सिक्स लेक्चर है। कल संडे होने के कारण हमारा कोई लेक्चर नहीं आया था, क्योंकि हम संडे में आप लोगों को पता है कि लेक्चर अपलोड नहीं करते हैं। आज ये हमारा सिक्स लेक्चर है। इससे पहले के पाँच लेक्चर्स में हमने टॉपिक बाय टॉपिक अकाउंट्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट कवर किए हैं, अकाउंट्स के बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखा है, गैप को देखा है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सामान्यता मान्य लेखांकन सिद्धांत जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम की दृष्टि से। सबसे ज़्यादा अगर डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से पुटअप किए जाते हैं तो इसी चैप्टर से ही पुटअप किए जाते हैं, क्योंकि अब तक यूपीएससी ईपीएफओ के एग्जाम में जितने भी अकाउंट से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो बेसिक टर्मिनोलॉजी से पूछे गए हैं, बिल्कुल डीप अकाउंट्स में नहीं पूछा गया है और ना ही डीप अकाउंट्स में पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि अकाउंटिंग का एग्जाम नहीं है। तो सामान्य ग्रेजुएट्स के लिए ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, तो जाहिर है इसमें बिल्कुल डीप अकाउंटिंग नहीं पूछी जाएगी। हाँ, बेसिक्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनका थोड़ा लेवल स्टैंडर्ड लेवल एक रह सकता है, यूपीएससी मेंटेन कर सकती है, अदरवाइज पूछे क्वेश्चंस आपसे बेसिक ही जाएंगे। तो ये आज का लेक्चर भी हमारा कॉन्सेप्ट की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें भी आपको कई कॉन्सेप्ट जानने को मिलेंगे। तो आज के लेक्चर में हमें क्या क्या देखना है, ये आज का टॉपिक है हमारा लेन देन का अभिलेखन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन्स पार्ट टू। पिछला पार्ट हमारा लेक्चर फाइव था, जिसमें हमने रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन का पार्ट वन कंप्लीट किया था। इसमें पार्ट वन हमने कंप्लीट किया था लेक्चर फाइव में। तो आपने अगर नहीं देखा है तो कल का पिछला सैटरडे का लेक्चर आप जो लोग जाकर देख सकते हैं। इस टॉपिक में हमें ये सब सारे टॉपिक्स कवर करने हैं। रोकड़ बुक, जिसे कैश बुक कहते हैं, रोकड़ बही, क्रय पुस्तक, ये परचेज जर्नल, जिसे क्रे रोज नामचा पुस्तक कहते हैं, रोज नामचा, ये सारे हिंदी की टर्मिनोलॉजी हैं लेखांकन की, तो इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद रखें। जर्नल, जिसे रोज नामचा, इसको इंग्लिश में जर्नल कहा जाता है, जर्नल। क्रे वापसी पुस्तक, परचेजेस, रिटर्न, जर्नल बुक, ये भी वापसी या रोज नामचा किताब कहा जाता है इसको भी। विक्रय पुस्तक, सेल्स जर्नल बुक, यहाँ विक्रय के बाद रोज नामचा है, विक्रय रोज नामचा पुस्तक या विक्रय पुस्तक, सेल्स जर्नल बुक या सेल्स बुक। फिर है विक्रय वापसी पुस्तक, सेल्स जर्नल, रिटर्न जर्नल बुक। फिर है खातों का संतुलन, बैलेंसिंग द अकाउंट्स, और यह एक मुख्य रोजनामचा, जर्नल प्रॉपर, मुख्य रोजनामचा। इसमें एक टॉपिक और है मुख्य रोजनामचा, जिसे कहते हैं जर्नल, इंग्लिश में जो जर्नल प्रॉपर कहा जाता है, प्रॉपर। तो शुरू करते हैं आज के अपने पहले टॉपिक से। व्यापारिक लेन देनों को सर्वप्रथम रोजनामचे यानी कि जर्नल में प्रविष्ट किया जाता है, यानी कि इसकी एंट्री की जाती है। जितने भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको पहले जर्नल में एंटर किया जाता है, एंट्री की जाती है उनकी, तथा इसके बाद उसकी खतौनी यानी कि पोस्टिंग, खतौनी की जाती है। फिर खाता बही, जिसे लेजर अकाउंट कहते हैं, इसमें खाता बही में इसकी पोस्टिंग की जाती है। एक छोटा व्यापारी सामान्यतः अपने सारे लेन देनों को एक ही पुस्तक अर्थात रोजनामचे में अभिलिखित करता है, कर सकता है। जो छोटे दुकानदार होते हैं, जैसे फुटकर विक्रेता होते हैं या फिर थोक विक्रेता, तो वो अपने सामान्यतः जनरली अपने सारे ट्रांजेक्शन्स को एक ही पुस्तक यानी कि एक ही अकाउंट बुक में रोजनामचे में, जिसे जर्नल कहते हैं, जर्नल में अभिलिखित यानी कि रिकॉर्ड कर सकता है। लेकिन जब व्यवसाय का विस्तार हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है किसी भी बिजनेस का, तो लेन देनों की संख्या में भी वृद्धि हो जाती है, जो कि कॉमन सी सेंस वाली बात है कि अगर आपके बिजनेस का एक्सपेंशन होगा तो उसमें लेन देन की भी संख्या अधिक हो जाएगी। लेन देन, और सही मायनों में लेन देन जब अधिक हो जाते हैं उसी को ही बिजनेस का एक्सपेंशन कहा जाता है। ऐसे में सभी सौदों को रोजनामचा प्रविष्टि एक मुश्किल कार्य हो जाता है, यानी कि अगर बड़ा कोई बिजनेस है तो उसमें रोजनामचा प्रविष्टि यानी कि जर्नल में एंट्री उसका एक मुश्किल कार्य हो जाता है, उसके लिए किसी नए प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए व्यावसायिक लेन देनों के फुर्तीले, दक्ष व विशुद्ध अभिलेखन के लिए रोजनामचे का वर्गीकरण विशिष्ट रोजनामचों में कर दिया गया है, यानी कि स्पेसिफिक जर्नल्स। कई व्यापारिक सौदों की प्रकृति की पुनरावृत्ति भी होती है, क्योंकि कई प्रकार के सौदे ऐसे भी होते हैं जिनको जिनको बार बार रिवीजन होता है, जिनमें बार बार लेन देन किया जाता है, इसलिए उन्हें आसानी से इन विशिष्ट रोजनामचों में अभिलिखित किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रत्येक रोजनामचे को उस विशिष्ट लेन देन के लिए ही बनाया जाता है, यानी कि हर ट्रांजेक्शन के लिए, हर एक तरह के अगर कई ट्रांजेक्शन मंथली या डेली बेसिस पर किसी व्यापारी या व्यवसाय द्वारा हो किए जाते हैं, तो उस विशिष्ट यानी कि उस स्पेसिफिक रोजनामचे के लिए भी अलग से उस ट्रांजेक्शन के लिए अलग से रोजनामचे को बनाया जा सकता है, अलग एक जर्नल उसके लिए बनाया जा सकता है।
उदाहरण के लिए सभी रोकड़ संबंधी सौदों के लिए एक पृथक पुस्तक, यानी कि रोकड़ संबंधी कैश संबंधी यानी कैश कैश में जितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनके लिए एक अलग पुस्तक बनाई जा सकती है। उधार बिक्री सौदों के लिए, यानी कि कैश ट्रांजेक्शन का मतलब यहाँ ये है, कैश संबंधी सौदों से मतलब ये है कि कैश में जितना भी खरीद क्रय हो रहा है और कैश में ही जितना भी विक्रय हो रहा है, यानी कि अगर कोई वस्तु खरीदी जा रही है वो भी कैश में खरीदी जा रही है, और कोई किसी तरह का पदार्थ प्रोडक्ट अगर बेचा जा रहा है तो वो भी कैश में बेचा जा रहा है। कैश से मतलब ये है कि हैंड टू हैंड पेमेंट ली जा रही है, चाहे वो चेक की फॉर्म में हो या कैश की फॉर्म में हो। उस उधार बिक्री सौदों के लिए अलग पुस्तक बनाई जा सकती है, यानी कि अगर कोई उधार पर कोई चीज़ खरीदी जा रही है या कोई वस्तु उधार पर बेची जा रही है, दोनों ही सूरतों में एक अलग तरह का रोजनामचा बनाया जा सकता है, अलग तरह की पुस्तक बनाई जा सकती है, तथा उधार खरीद के लेन देनों का अभिलेखन एक अलग पुस्तक में किया जा सकता है। उधार बिक्री का अलग पुस्तक में और उधार खरीद का अलग पुस्तक में किया जा सकता है। इन विशिष्ट रोजनामचों को दैनिक पुस्तकें या सहायक पुस्तकें कहते हैं, यानी कि डेली के जर्नल्स जो होते हैं इनको या सहायक पुस्तकें कहा जाता है। वह लेन देन जिनका अभिलेखन किसी सहायक पुस्तक में नहीं होता उनको अन्य रोजनामचों में प्रविष्ट किया जाता है, जिसे मुख्य रोजनामचा या जर्नल जर्नल प्रॉपर कहते हैं। जिनकी रिकॉर्डिंग या जिनका रिकॉर्ड्स किसी भी पुस्तक में नहीं किया जाता है उनको रोजनामचे में प्रविष्ट किया जाता है, यानी कि उनको अलग सिंगल जर्नल में प्रविष्ट एंट्री की जाती है उनकी, और उन्हीं को ही मुख्य रोजनामचा कहते हैं। अब लेखांकन कार्य में इन विशिष्ट रोजनामचों का प्रयोग न केवल समय की बचत करता है बल्कि श्रम के विभाजन में भी सहायक है। निम्न विशिष्ट उद्देश्य पुस्तकों का प्रयोग लेखांकन कार्य में किया जाता है। अब किन पुस्तकों का प्रयोग किया जाता है? पहला है रोकड़ बही कैश बुक, दूसरा है क्रय रोजनामचा पुस्तक परचेजेस रोजनामचा, यहाँ जर्नल को कहते हैं। फिर है क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक परचेजेस रिटर्न या रिटर्न ऑनवर्ड्स या जर्नल बुक। फिर है विक्रय रोजनामचा पुस्तक सेल्स जर्नल बुक, विक्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स या जर्नल बुक। फिर है मुख्य रोजनामचा या जर्नल प्रॉपर। अब एक एक करके बारी बारी हम इन सारे छः की छः बुक्स को कवर करेंगे कि किस बुक्स का क्या पर्पज़ होता है, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के लिए कौन सी बुक का इस्तेमाल किया जाता है या कौन सी बही का इस्तेमाल किया जाता है। पहला है रोकड़ बही कैश बुक। रोकड़ बही बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ईजी टॉपिक है, एक या दो बार में ही आपको ये आसानी से बिल्कुल रट जाएंगे। रोकड़ बही वह पुस्तक है जिसमें नकद प्राप्तियां व भुगतानों से संबंधित सभी लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है, यानी कि ये वो रिसिप्ट है या ये वो कैश बुक है जिसके अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं वो सारे नकद में स्टोर किए जाते हैं। नकद यहाँ पर सारे ट्रांजेक्शन का जो विवरण होता है, स्टेटमेंट होता है, वो सब नकद होता है। अगर कोई चीज़ खरीदी गई है तो वो भी अगर नकद में खरीदी गई है तो उसका विवरण रोकड़ बही कैश बुक में ही किया जाएगा, और अगर किसी वस्तु या पदार्थ का या प्रोडक्ट का विक्रय किया गया है कैश में तो वो भी इस रोकड़ बही में एंट्री उसकी की जाएगी। इस अवधि विशेष में नकद या बैंकस्थ रोकड़ के प्रारंभिक शेष से आरंभ किया जाता है। इसी अवधि विशेष में नकद से या बैंकस्थ रोकड़ के प्रारंभिक शेष से आरंभ किया जाता है। साधारणतः ये प्रतिमास बनाई जाती है। इस पुस्तक के काफी लोकप्रिय होने के कारण व्यापार छोटा हो या बड़ा, संस्था लाभार्जन के उद्देश्य वाली हो या गैर लाभकारी यानी कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह की कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं। सभी व्यापारी रोकड़ बही अवश्य बनाते हैं। यही वह पुस्तक है जो रोजनामचा व खाता बही दोनों के उद्देश्यों को पूर्ण करती है। रोजनामचा यानी कि जर्नल, जर्नल के उद्देश्यों को, और खाता बही लेजर अकाउंट दोनों के उद्देश्यों को ये बुक परिपूर्ण करती है, क्योंकि रोकड़ बही में लेन देनों की प्राथमिक प्रविष्टि की जाती है। जो रोकड़ बही होता है कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी प्राथमिक प्रविष्टि की जाती है, यानी कि फर्स्ट एंट्री की जाती है, इसलिए इसे मूल प्रविष्टि की बही भी कहते हैं, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। इसके बारे में हमने विस्तार से पिछले लेक्चर में यानी कि लेक्चर 5 में कवर किया था, मूल बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो रोकड़ बही में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं यानी कि कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनकी प्राथमिक प्रविष्टि की जाती है, यानी कि उनकी फर्स्ट एंट्री जो होती है कैश बुक में ही की जाती है, इसलिए इसे मूल ओरिजिनल एंट्री वाली बुक भी कहते हैं। ऐसी प्रथा रही है कि जब रोकड़ बही बनाए रखी जाती है यानी कि जब रोकड़ बही को कैश बुक को मेंटेन किया जाता है तो फिर रोकड़ संबंधित लेन देनों का ना तो रोजनामचे में ही लेखा किया जाता है और ना ही रोकड़ व बैंकस्थ रोकड़ के लिए अन्य कोई खाता ही बनाया जाता है। यानी कि जब किसी तरह का रोकड़ कैश बुक को मेंटेन किया जाता है तो फिर उससे संबंधित जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उनको किसी जर्नल में या किसी अदर अकाउंट में या किसी अदर अन्य खाते में
इंक्लूड नहीं किया जाता, जब भी बुक कैश बुक को मेंटेन किया जाता है तो उस जिस ट्रांजेक्शन को मेंटेन किया जाता है उन ट्रांजेक्शन की एंट्री कहीं और नहीं की जाती, ना तो जर्नल्स में ना ही किसी अन्य अकाउंट्स में। फिर एक स्तंभी, अब ये रोकड़ बही यानी कि कैश बुक जो होती है, कई प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, एक तो आपका सिंगल कॉलम कैश बुक होती है और दूसरी डबल कॉलम कैश बुक होती हैं, तो इसको बारी बारी हम देखेंगे। एक एक स्तंभीय रोकड़ बही यानी कि सिंगल कॉलम कैश बुक, एक स्तंभीय रोकड़ बही में व्यापार के नकद संबंधित सभी सौदों को काल क्रम अनुसार या तिथि अनुसार अभिलिखित किया जाता है। एक स्तंभीय रोकड़ बही में व्यापार के नकद संबंधी यानी कि यहां जितना भी ट्रांजेक्शन है वो सारा नकद ही है, रोकड़ कैश बुक के अंदर जितना भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारा नकद में ही होगा, कैश में होगा, इसमें किसी तरह का उधार का कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं कोट किया जाता, नहीं इसकी एंट्री, उधार वाले ट्रांजेक्शन की एंट्री इस बुक में नहीं की जाती है। सभी सौदों को काल क्रम अनुसार यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको एंट्री की जाती है, अर्थात यह नकद प्राप्तियों तथा भुगतानों का पूर्ण प्रलेख है, यानी कि यहां प्राप्तियां और भुगतान दोनों ही नकद किए जाते हैं। जब व्यापार द्वारा सभी लेन देन नकद ही किए जाते हैं तो उस स्थिति में एक स्तंभीय रोकड़ बही बनाई जाती है, यानी कि जब इसमें व्यापार द्वारा सारे ही लेन देन नकद किए जाते हैं, ये उसका फॉर्मेट है कि किस तरह की होती है। यहाँ डेट, यहाँ प्राप्तियां होती हैं इस साइड में, ये आधा हिस्सा प्राप्तियों के लिए है और यह आधा हिस्सा भुगतान के लिए है। प्राप्तियां किस स्थिति में प्राप्त हुई, फिर विवरण उनका स्टेटमेंट किस तरह की प्राप्ति थी, फिर रोकड़ पृष्ठ संख्या, फिर यहाँ राशि, इसको राशि के रूपे में, फिर इसी तरह भुगतान की ही जो यहाँ एक तरह से ये नाम को इंडिकेट करता है और ये जमा को इंडिकेट करता है, इसको भी आगे हम समझेंगे। प्राप्तियां जो होती हैं नाम इंडिकेट करती हैं और भुगतान जो होता है वो जमा को इंडिकेट करता है। तो ये रोकड़ बही का फॉर्मेट था। आगे एक स्तंभीय रोकड़ बही की खतौनी, खतौनी पोस्टिंग ऑफ द सिंगल कॉलम कैश बुक, खतौनी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पोस्टिंग। रोकड़ बही का बायां पक्ष यानी कि लेफ्ट साइड रोकड़ की प्राप्तियों को दर्शाता है तथा दायां पक्ष नकद भुगतानों को दर्शाता है, यानी कि ये दायां पक्ष नकद भुगतान यानी कि इसका जमा भुगतान। इसलिए रोकड़ बही में नाम पक्ष में दर्शाए गए सभी खातों को बही खाता बही यानी कि लेजर अकाउंट में क्रमशः जमा किया जाएगा। ये जो अकाउंट कहलाएगा ये लेजर अकाउंट कहलाएगा, ये लेजर अकाउंट होता है क्योंकि उनका संबंध नकद प्राप्ति से है। यहां पर जो प्राप्ति हो रही है वो नकद प्राप्ति हो रही है, इसलिए ये लेजर अकाउंट से संबंधित होता है। अतः इसी प्रकार रोकड़ बही में जमा पक्ष में लिखे गए खातों को खाता बही लेजर अकाउंट में नाम पक्ष में लिखा जाएगा क्योंकि उनका संबंध रोकड़ के भुगतान से है। यहाँ पर जो भुगतान, यहाँ जो जमा आ रही है वो रोकड़ का भुगतान यहाँ पर किया जा रहा है, तो उसकी सारा विवरण इस कॉलम में लिखा जाएगा, इन कॉलम्स में लिखा जाएगा। फिर द्विस्तंभीय रोकड़ बही डबल कॉलम कैश बुक, इस प्रकार के रोकड़ बही में प्रत्येक पक्ष में राशि के लिए दो दो स्तंभ होते हैं। अधिकतर व्यापारिक संगठनों में बैंक संबंधी लेन देनों की संख्या काफ़ी बड़ी होती है, कई बार तो प्रयास किया जाता है कि सभी प्राप्तियां तथा भुगतानों को बैंक के माध्यम से ही किया जाए, यानी कि कई बार ये लोग बिजनेस ये करते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि सारे ट्रांजेक्शन्स बैंक के ही माध्यम से हो, यानी कि चेक के माध्यम से हो या ड्राफ्ट के माध्यम से हो, लेन देन जितना भी हो चाहे भुगतान किया जा रहा हो या प्राप्ति की जा रही हो वो सारी चेक के या बैंक के माध्यम से हो। इसलिए व्यवसायी जितने भी बिजनेसमैन हैं या इंडस्ट्री होल्डर हैं बैंक में चालू खाता जिसे करंट अकाउंट कहते हैं खोलते हैं, इस पर बैंक द्वारा कोई ब्याज नहीं दिया जाता बल्कि बैंक अपनी सेवाओं के बदले व्यापारी से कुछ शुल्क वसूल करता है जिसे बैंक प्रभार या बैंक शुल्क या बैंक इंसिडेंटल चार्जेस कहा जाता है। अब बैंक खाताधारक को रकम निकालने के लिए खाली चेक भी जारी करता है। जो बैंक होते हैं वो खाताधारक को, मान लीजिए आप कोई अकाउंट होल्डर हैं ए और आपका कोई बैंक है एक्स वाई जी, ये आपको रकम निकालने के लिए एक चेकबुक भी जारी करता है, चेकबुक जारी करता है जिस पर खाता धारक जिस भी व्यक्ति या व्यापार को भुगतान करना चाहता है चेक के पे टू के आगे खाली स्थान पर उस व्यक्ति या व्यापार का नाम लिख देता है। आप में से बहुत से लोग चेकबुक यूज करते होंगे तो जो चेकबुक का फॉर्मेट है यहाँ पर उसके बारे में डिफाइन किया गया है पूरा कि क्या उसमें किस तरह का ऑप्शन होते हैं। पहले तो पे टू होता है, यहाँ आगे खाली स्थान रहता है जिसको जिसमें मान लीजिए आप एक अकाउंट होल्डर हैं, आपका कोई आप किसी कंपनी को या किसी भी व्यक्ति को कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, मान लीजिए 50,000 रुपये का कोई ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं तो आप एक चेक के थ्रू करना चाहते हैं तो इस तरह का कुछ फॉर्मेट होता है। यहाँ बैंक का नाम लिखा होता है, यहाँ आपका अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट करंट अकाउंट का नंबर होता है, या ये तो सेविंग अकाउंट के लिए भी है ये सुविधा, लेकिन यहाँ पर करंट अकाउंट के लिए बात की जा रही है। यहाँ पे टू में उस व्यक्ति का नाम डाला जाता है जिस व्यक्ति को
आप या इंडस्ट्री को पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, और इसी के आगे यहां पर धारक लिखा होता है, धारक या बियरर, बियरर लिखा होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप इसको नहीं काटेंगे तो पैसा यानी कि इसी जिसका धारक को ही, यानी कि जिसका अकाउंट है उसी को ही पैसा दिया जा रहा है, यानी कि हो सकता है कि कैश की फॉर्म में बैंक के पास जमा कराया जा रहा हो और ये आपकी चेक चेक के थ्रू, आपके नाम के चेक के थ्रू, यानी कि आपके अकाउंट के चेक के थ्रू ये पैसा आप ही के अकाउंट में डिपॉजिट किया जा रहा हो, इसलिए इसको पहले धारक वाले वर्ड को काट दिया जाता है और यहाँ पे टू में किसी अन्य व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है और यहाँ आपके साइन कर दिए जाते हैं अकाउंट होल्डर के। तो इस तरह चेकबुक का फॉर्मेट रहता है। चेक के प्रारूप में धारक शब्द मुद्रित होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ, जिसका अर्थ है कि भुगतान हेतु जिस व्यक्ति का नाम चेक में लिखा है उसे भुगतान किया जाए, या चेक के धारक को, यानी कि या तो इसको पे टू वाले को भुगतान किया जाए या फिर चेक के धारक को। यदि धारक शब्द को काट दिया जाता है तो इसका अर्थ है कि भुगतान केवल उसी व्यक्ति को किया जाएगा जिसका नाम चेक में लिखा है, यानी कि पे टू के आगे आपने जिसका नाम लिखा होगा, चाहे वो व्यक्ति हो या कोई संस्था या इंडस्ट्री हो, ये भुगतान उसी को ही किया जाएगा यदि आप धारक का नाम काट देते हैं। अगर नहीं काटते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो चेक बुक होल्डर है, यानी कि जिसके नाम पर चेक बैंक ने इशू किए हैं, उसी को ही पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है, उसी व्यक्ति को, उसी इंडिविजुअल को ही पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। अगर आप धारक का नाम नहीं काटेंगे तो पैसा दोबारा आपके अकाउंट में ही आ जाएगा। रोकड़ लेन देनों की तरह बैंक लेन देन की भी सभी प्राप्तियों को बाईं ओर व बैंक भुगतानों को दाहिनी तरफ बैंक स्तंभों में लिखा जाता है। जब बैंक में रोकड़ जमा कराई जाती है या बैंक से रोकड़ निकाली जाती है, दोनों ही स्थितियों को रोकड़ बही में कैश बुक में अभिलिखित किया जाता है, यानी कि रिकॉर्ड किया जाता है। अब यदि बैंक व्यापार के खाते को ब्याज, कमीशन या अपने द्वारा दी गई सेवाओं हेतु शुल्क के लिए नाम करता है तो इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में भुगतान पक्ष में की जाएगी, यानी कि इसका अगर वो व्यापार के खाते को ब्याज, कमीशन या अपने द्वारा दी गई सेवाओं हेतु शुल्क के लिए नाम करता है तो इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में भुगतान पक्ष में की जाएगी। हाँ, जो भुगतान का पक्ष होता है किसी इसके फॉर्मेट के अंदर, वो कैश बुक की फॉर्मेट के अंदर ये जो भुगतान पक्ष होता है इस साइड वाला, राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर इसकी एंट्री की जाएगी। यदि बैंक व्यापार खाते को ब्याज या लाभांश आदि के संकलन के लिए जमा करता है तो इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में प्राप्ति पक्ष के बैंक स्तंभ में की जाएगी। तो जैसा ही जिस तरह का अगर रोकड़ बही इंडस्ट्री के लिए है उसकी अपोजिट, उस वैसे ही वो अपने लिए मेंटेन करेगा बैंक, लेकिन उसी तरह की जो एंट्री उसके पास अकाउंट होल्डर की होगी उसमें इस तरह की एंट्री को रिवर्स कर देगा, यानी कि जो एंट्री यहाँ जमा पक्ष में है वो नाम पक्ष में आ जाएगी और जो नाम पक्ष में है वो जमा पक्ष में अकाउंट होल्डर के स्टेटमेंट में आ जाएगी। खुदरा रोकड़ बही पेटी कैश बुक। प्रत्येक व्यापारिक संगठन में बड़ी संख्या में छोटे छोटे भुगतान करने पड़ते हैं, जैसे कि यात्रा व्यय, ढुलाई व्यय, डाक व्यय आदि, जिनको सामूहिक रूप से विविध व्यय में लिखा जाता है। साधारणतया यह व्यय बार बार करने पड़ते हैं, इनकी प्रविष्टि बार बार किसी रोकड़िया के लिए मुश्किल हो जाती है, यानी कि कैशियर, रोकड़िया कहते हैं कैशियर को, कैशियर के लिए मुश्किल हो जाता है। इस समस्या से बचने के लिए बड़े बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान खुदरा रोकड़ियों की नियुक्ति करते हैं तथा सभी खुदरा खर्चों को एक अलग रोकड़ पुस्तक में लिखा जाता है, यानी कि जितने भी खुदरा खर्चे होते हैं उनको एक अलग कैश बुक में लिखा जाता है। इस प्रकार खुदरा रोकड़िया, यानी कि खुदरा जो कैशियर होते हैं, पैटी कैशियर द्वारा बनाई गई पुस्तक को खुदरा रोकड़ बही कहते हैं, पैटी कैश बुक कहते हैं। खुदरा रोकड़ बही में सामान्यतः भुगतान पक्ष यानी कि जमा की ओर कई स्तंभ होते हैं। प्रत्येक व्यय जो प्रत्येक खर्च की मद के लिए एक स्तंभ आवंटित किया जाता है, यानी कि हर तरह के खर्चे के लिए एक अलग कॉलम आवंटित होता है, लेकिन ये स्तंभ केवल अधिकांशता होने वाले साधारण व्ययों के लिए होते हैं। लेकिन ये जो स्तंभ होंगे अलग अलग खर्चों के लिए, ये उन खर्चों के लिए होंगे जो अक्सर खर्च हो ही रहे हैं, यानी कि बार बार जिनकी पुनरावृत्ति हो रही है जिन खर्चों की। भुगतान पक्ष के अंतिम स्तंभ को विविध व्ययों के नाम का नाम दिया जाता है, यानी कि एक उसमें स्तंभ ऐसा होगा जिसमें मिसलिनियस टाइप के एक्सपेंडिचर डाले जाएंगे, यानी कि जिनका बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती है, इसलिए जो अलग अलग प्रकार के व्यय हैं उनको विविध व्यय में लिखकर जिनके अलग से कॉलम बनाना संभव नहीं है। कि जो मान लीजिए कोई ऐसा व्यय है, ऐसा खर्चा है कंपनी का या बिजनेस का कि जो इस मंथ तो हो रहा है लेकिन अगले मंथ होने की संभावना नहीं है, या फिर अगले मंथ हो जा रहा है उसके बाद किसी और मंथ होने की संभावना नहीं, किसी और मंथ उसकी जगह कोई और तरह का खर्चा हो जाता है, तो इस तरह के व्ययों को विविध व्यय में लिखा जाता है। तथा इसके बाद वाले स्तंभ को टिप्पणी नाम से जाना जाता है, और इसके आगे एक और स्तंभ होता है, यहाँ पर इसमें कमेंट वाली कॉलम होती है। विविध व्यय वाले स्तंभ में उन सभी व्ययों को प्रविष्ट किया जाता है जिनके लिए
पृथक स्तंभ उपलब्ध नहीं है, यानी कि पृथक स्तंभ जिनके लिए उपलब्ध नहीं है उनको विविध व्यय में रखा जाएगा। और पृथक स्तंभ क्यों उपलब्ध नहीं है? क्योंकि इनका इस तरह के खर्चे बार बार या हर महीने की नहीं होते हैं और हर महीने इनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। यानी कि मान लीजिए किसी तरह का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है तो वो तो बिजनेस का हर महीने होगा, इसलिए उसके लिए अलग आपको कॉलम मिलेगा रोकड़ बही में। और भीतर और जिसे मंथली सैलरी है वो अलग खर्चा है, तो उस तरह वो खर्चा भी हर मंथ देना ही होता है किसी भी बिजनेस को अपने एम्प्लॉयज़ को, तो उसकी भी अलग एक एंट्री का कॉलम होगा। तो इस तरह जो जिन खर्चों की पुनरावृत्ति होती रहती है उनके कॉलम सेपरेट बनाए जाते हैं, लेकिन जो अकस्मात खर्चे होते हैं या मंथ में कभी कभी दिखने वाले खर्चे होते हैं तो इस तरह के खर्चों को विविध वाले कॉलम में इनपुट या एंट्री की जाती है। टिप्पणी संबंध स्तंभ में व्यय की प्रकृति के विषय में लिखा जाता है। यहाँ जो टिप्पणी वाला जो कॉलम होता है विविध के बाद, इसमें जितने भी व्यय हैं उनके प्रकृति, उनकी प्रकृति कैसी है, उनका नेचर कैसा है, वो किस प्रकार के व्यय हैं, वो इसके बारे में लिखा जाता है। अवधि के अंत में सभी स्तंभों का योग निकाला जाता है, यानी कि एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद इन सभी को कैलकुलेट किया जाता है। योग स्तंभ से कुल व्यय उस राशि का पता चलता है जिसका पुनर्भुगतान होना है, यानी कि इससे उस राशि का पता चलता है जिससे ये पुनर्भुगतान के लिए इसमें पुनः ऐसा होता है कि जिसे जो विविध प्रकार के व्यय होते हैं या खुदरा रोकड़ बही, उसमें इंडस्ट्री अपने अकाउंटेंट को कैशियर को जो है 2,000 रुपये मान लीजिए दे देती है एक्स्ट्रा, जो एक्स्ट्रा विविध टाइप के खर्चे हैं उनके लिए जिनका इंक्लूड होना कैश बुक में संभव नहीं है। तो उसमें जैसे मान लीजिए किसी कैशियर को 2,000 रुपये दे दिए गए, अब वो विविध प्रकार के खर्चों में से इसी में से कर रहा है और मंथ के अंत में उसके 1,800 रुपये खर्च हो गए, तो 1,800 रुपये का उसे पुनर्भुगतान कर दिया जाएगा, पुनर्भुगतान होना। योग स्तंभ जब अब इसमें टोटल जब निकाला जाएगा, रोकड़ जो अलग तरह की बुक मेंटेन की जाएगी उसमें जब ये खर्चों का योग निकाला जाएगा, कैलकुलेट किया जाएगा, तो मान लीजिए 1,800 रुपये अगर खर्च हुए हैं कैशियर के पास से, तो कैशियर को 1,800 रुपये दोबारा देकर इस अमाउंट को मेंटेन कर लिया जाता है। यानी कि ये 1,800 रुपये का पुनर्भुगतान करके जो अमाउंट कैशियर को दी गई है उसको मेंटेन कर लिया जाता है, ताकि अगले मंथ के लिए वो खर्चा उसके पास दोबारा मौजूद हो। फिर है प्राप्ति पक्ष, यानी कि नाम की ओर केवल एक ही स्तंभ होता है जिसमें तिथि, रसीद संख्या तथा विवरण संबंधी स्तंभ प्राप्ति एवं भुगतान दोनों तरफ होते हैं। तिथि, रसीद संख्या तथा विवरण संबंधी स्तंभ प्राप्ति एवं भुगतान दोनों तरफ होते हैं, यानी कि नाम तरफ भी और जमा तरफ भी पाए जाते हैं। अब है खुदरा रोकड़ बही से खतौनी, पोस्टिंग फ्रॉम द पेटी कैश बुक। खुदरा रोकड़ बही का शेष एक अवधि के बाद निकाला जाता है। कुल प्राप्तियों व कुल भुगतानों में अंतर ही खुदरा रोकड़ियों के पास उपलब्ध शेष कहलाता है। यानी कि जो नाम है और यहाँ जमा होती है, तो नाम और इनका जो मैचिंग कराई जाती है इसके बाद जो बचा रह जाता है वही शेष कहलाता है। यहाँ दोनों नाम में जितने भी जमा आई हैं और यहाँ से जितने भी भुगतान किए गए हैं, जितनी भी यहाँ प्राप्तियाँ हुई हैं और यहाँ से जितने भी प्राप्त भुगतान किए गए हैं, उन सब का जो शेष होता है, उन सब का जो कैलकुलेशन करने के बाद जो प्रोडक्ट आता है वही शेष कहलाता है। कुल प्राप्तियां व कुल भुगतानों में अंतर ही रोकड़िया के पास उपलब्ध शेष कहलाता है। यानी कि खुदरा रोकड़िया जो है आपका पैटी कैशियर, उसके पास जो उपलब्ध शेष यही कहलाता है। इस शेष को अगली अवधि पर हस्तांतरित कर दिया जाता है। यानी कि मान जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में एग्जांपल बताया, यानी कि अगर मान लीजिए खुदरा कैशियर को 2,000 रुपये दिए गए हैं विविध प्रकार के व्ययों के खर्चे के लिए, तो इसमें से यदि 1,800 रुपये खर्च हो जाते हैं तो उसको 1,800 रुपये का भुगतान करने से पहले ये 200 रुपये इसमें से जो बकाया है, ये बकाया अगले वित्तीय वर्ष के लिए या अगली अवधि के लिए इसको हस्तांतरित कर दिया जाता है और 1,800 रुपये का फिर से भुगतान कर दिया जाता है और इसके बाद फिर से 2,000 रुपये की अमाउंट पूर्ण हो जाती है और खुदरा रोकड़ियों को वास्तविक रूप से व्यय की गई राशि का भुगतान कर दिया जाता है। यानी कि जो व्यय की गई राशि 1,800 रुपये, इसका पुनर्भुगतान हो जाता है और 200 रुपये ये कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले अवधि के लिए। खाता बही यानी कि लेजर अकाउंट में एक खुदरा रोकड़ खाता पैटी कैश अकाउंट खोला जाता है। रोकड़ बही को स्वतंत्र रूप से संतुलित किया जाता है। प्रत्येक व्यय को उसके संबंधित खाते में उस स्तंभ के योग के रूप में नाम की ओर खुदरा रोकड़ खाता लिखकर खतौनी की जाती है तथा खुदरा रोकड़ खाते को व्ययों के कुल योग की राशि से खुदरा रोकड़ बही के व्यय लिखकर जमा की ओर खतौनी की जाती है। यानी कि जो भुगतान होते हैं वो जमा की साइड लिखे जाते हैं, जो भी खुदरा रोकड़ बुक होती है कैश बुक उसमें यहाँ प्राप्तियाँ लिखी जाती हैं जो कि यहाँ नाम पक्ष में लिखी जाती हैं, और जो भुगतान होते हैं वो जमा पक्ष में लिखे जाते हैं। खुदरा रोकड़ खाते को कुल व्यय की राशि से जमा किया जाता है तथा विवरण स्तंभ में अवधि के विविध व्यय लिखा जाता है। इस प्रकार खुदरा रोकड़ खाते को संतुलित किया जाता है।
खुदरा रोकड़ खाते में साधारणतया नाम की ओर शेष रहता है, यानी कि नाम यहाँ जो प्राप्ति है, प्राप्ति ही हमेशा ज़्यादा होनी चाहिए, और ये जमा इसका जो कैलकुलेशन आना चाहिए वो इस टोटल प्राप्ति से कम आना चाहिए, हमेशा यहाँ पर अधिशेष सरप्लस रहना चाहिए जो कि खुदरा रोकड़िया के पास उपलब्ध राशि प्रदर्शित करता है, यानी कि 2000 रुपये में से यहाँ इसके पास नाम कितना था, प्राप्ति कितनी थी 2000 रुपये, इसके पास सारे व्ययों को मिलाकर व्यय एक्स वाई जी को मिलाकर इसके 1800 रुपये खर्च हुए, यानी कि अब नाम में सरप्लस कितना है 200 रुपये, अब इसके पास हमेशा जो संतुलन बनाया जाएगा इसके पास सरप्लस ही रहना चाहिए, या ऐसा नहीं हो कि यहाँ 2200 रुपये खर्च हो जाएं, वो मुमकिन ही नहीं है क्योंकि इसके पास 2000 थे तो 2200 रुपये खर्च कर ही नहीं सकता, तो हमेशा यहाँ पर नाम की प्राप्ति वाले कॉलम में हमेशा अधिशेष राशि उपलब्ध रहेगी। आगे है रोकड़ बही का संतुलन, बैलेंसिंग ऑफ कैश बुक। रोकड़ बही के बाईं ओर यानी कि नाम पक्ष में, ये रोकड़ बही है, यहाँ पर ये साइड जो होती है ये नाम पक्ष होता है और ये जमा पक्ष होता है, नाम पक्ष यानी कि प्राप्ति और ये भुगतान, रोकड़ प्राप्तियाँ व दाईं ओर जमा पक्ष, ये दाईं ओर ये सीधे राइट हैंड साइड ये होता है जमा पक्ष, रोकड़ भुगतान को तिथि अनुसार प्रविष्ट किया जाता है, यानी कि जितना भी रोकड़ भुगतान होता है उसको डेट वाइज फिर एंट्री उसकी की जाती है, यानी कि आज की डेट में पहले किया जाएगा, और मान लीजिए आज 22 तारीख है तो आज का पहला किया जाएगा और 23 तारीख वाला बाद में किया जाएगा, फिर इसी तरह 24 तारीख वाला उसके बाद किया जाएगा। जब व्यापारी रोकड़ बही बनाते हैं तो बही खाता, तो खाता बही में अलग से रोकड़ खाता नहीं खोला जाता है, यानी जब व्यापारी रोकड़ बही बनाते हैं, कैश बुक बनाते हैं, तो खाता बही में लेजर अकाउंट में अलग से कैश अकाउंट नहीं खोला जाता है, रोकड़ बही में सदैव नाम पक्ष में शेष रहता है, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में बात की कि जो नाम पक्ष है इसमें हमेशा सरप्लस रहेगा, शेष रहता है क्योंकि रोकड़ भुगतानों की राशि कभी भी रोकड़ प्राप्तियों की प्रारंभिक रोकड़ से अधिक नहीं हो सकती है, यानी कि प्राप्तियां ये प्राप्ति पक्ष होता है और ये जमा हमने बताया था ये भुगतान पक्ष होता है, तो जो भुगतान वाली राशि है वो कभी भी जमा पक्ष से अधिक नहीं हो सकती। इसको आप इस एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपके अकाउंट में आपके पास टोटल जो पैसा है, आपके पास कुल सेविंग 1,00,000 रुपये है और आपको कुछ सामान खरीदना है, तो जाहिर सी बात है आप 1,00,000 रुपये तक का ही भुगतान किसी को कर सकते हैं। आप अगर कोई वस्तु कोई या कोई प्रोडक्ट 1,10,000 का है और आप वो खरीदना चाहते हैं, यानी कि जमा यानी कि उसको भुगतान करना चाहते हैं, जो प्रोडक्ट 1,10,000 रुपये का बेच रहा है, तो उसको कैसे करेंगे आप, 10,000 रुपये आपके पास कम है, आप कर ही नहीं सकते, तो हमेशा आप 1,00,000 मैक्सिमम 1,00,000 रुपये तक का ही किसी को भुगतान कर सकते हैं, यानी कि हमेशा नाम पक्ष में सरप्लस रहेगा, या तो बराबर रहेगा बैलेंस रहेगा या फिर सरप्लस रहेगा नाम पक्ष की तरफ, यानी कि आपके पास सरप्लस कुछ राशि बची रह जाएगी। हो सकता है कि आपको वो प्रोडक्ट जो आपको चाहिए वो 90,000 में मिल जाए, तो आपके पास 10,000 रुपये सरप्लस रहा, 10,000 रुपये बचे रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप 1,10,000 रुपये का कोई वस्तु इससे खरीद लें, उधार तो खरीद सकते हैं लेकिन आपके पास यहाँ पर उसके इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आपको हमेशा सरप्लस नाम पक्ष में सरप्लस ही बचा रहेगा। इन रोकड़ प्राप्ति प्रविष्टियों का स्रोत प्रलेख रोकड़ीय द्वारा जारी की गई रसीद की अनुलिपि होता है, यानी कि इसकी रसीद की जो कॉपी होती है वही रोकड़ प्रलेख स्रोत का प्रलेख स्रोत प्रलेख होता है, यानी कि जो प्रूफ है ऑथराइज्ड प्रूफ वही होते हैं, जो जैसे कि रसीद होगा, किसी तरह की कैश रिसिप्ट होती है या चेक होते हैं या ड्राफ्ट होते हैं, ये प्रविष्टियों का स्रोत प्रलेख होते हैं, इन्हीं को ही क्रॉस चेक किया जाता है। रोकड़ भुगतानों के लिए बीजक रसीद पत्र, बीजक जैसे कि बॉन्ड वगैरह, रसीद यानी कि आपकी रिसिप्ट, प्रपत्र आदि प्रलेखों को स्रोत प्रलेख माना जाता है, क्योंकि इनके आधार पर भुगतान किया जाता है, यानी कि आगे इन्हीं के ही आधार बनाकर किसी से भुगतान किया जाता है। फिर है क्रय रोजनामचा पुस्तक, परचेजेस जर्नल बुक, माल से सभी उधार खरीद क्रय रोजनामचे में लिखे जाते हैं, जितने भी उधार खरीद होती है वो क्रय रोजनामचे में लिखे जाते हैं, जबकि नकद खरीद किए जाने वाले सभी लेन देनों को रोकड़ पुस्तक में अभिलिखित किया जाता है। अन्य उधार खरीद जैसे कार्यालय संबंधी सामान, फर्नीचर, भवन आदि यदि उधार खरीदे जाते हैं तो उनका अभिलेखन साधारण रोजनामचे में ही किया जाता है, और यदि उनकी खरीद नकद होती है तो उन्हें रोकड़ बही में ही लिखा जाता है। यदि उधार खरीदे जाते हैं उनका अभिलेखन साधारण रोजनामचे में ही किया जाता है। यहाँ क्या मतलब है इसका, इस डेफिनेशन में क्रय रोजनामचा पुस्तक किस लिए इस्तेमाल होती है, जो जितना भी माल उधार खरीदा जाता है, खरीदना यानी कि क्रय करना, जितने भी माल को उधार खरीदा जाएगा उसकी एंट्री क्रय रोजनामचा पुस्तक में की जाती है। और आपको पता है हमने पिछले टॉपिक में क्या कवर किया था, इसी आज के लेक्चर में ही शुरू में हमने कवर किया था कैश बुक, तो कैश बुक में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो नकद वाले ही किए जाते हैं, तो कैश बुक में
हमने क्या बात की थी कि कैश बुक में सारे ट्रांजेक्शन नकद ही लिखे जाते हैं, चाहे किसी भी तरह का सौदा खरीदा जाए या फिर उसका विक्रय किया जाए, उसका सेल किया जाए, दोनों ही प्रकार में अगर कैश भुगतान किया जा रहा है तो उसको कैश बुक में एंट्री की जाती है। लेकिन जब खरीद को हम उधार पर करते हैं या कोई भी व्यवसाय उधार पर खरीद करता है तो उसकी एंट्री क्रय पुस्तक में, परचेजेस जर्नल में की जाती है, ना कि कैश बुक में, परचेजेस जर्नल में उसकी एंट्री की जाती है। इन लेन देनों में प्राप्त माल आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दिए गए बीजक व रसीदे इत्यादि स्रोत प्रलेखों का कार्य करती हैं। यानी कि इस तरह के ट्रांजेक्शन में जो माल प्राप्त हो आपूर्तिकर्ता होते हैं उनके द्वारा जो बीजक दिया जाता है, यानी कि अगर कोई इंडस्ट्री है ए, वो कोई किसी तरह की खरीद उधार पर कर रहा है, किसी कंपनी बी से कोई उधार पर खरीद कर रहा है, तो वो इस बी कंपनी ए जो है इस इंडस्ट्री बी को एक रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा, एक बॉन्ड प्रोवाइड करेगा, रिसिप्ट प्रोवाइड करेगा कि हाँ हमने तुमसे उधार लिया था और हम इस डेट में फला डेट में इसको आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये एक तरह का प्रूफ होता है, स्रोत प्रलेख होता है, रिसोर्स डॉक्यूमेंट होता है, वाउचर, जिसे वाउचर भी बोलते हैं। बीजक की सहायता से केवल शुद्ध राशि को ही लिखा जाता है, यानी कि जो टोटल अमाउंट, जितनी एग्जैक्ट अमाउंट, टोटल अमाउंट पे करनी है, पेमेंट करनी है, वही राशि को लिखा जाएगा। व्यापारिक छूट यानी कि जो जितने भी जो डिस्काउंट होते हैं और अन्य विवरण या अलग तरह के स्टेटमेंट को इस पुस्तक में नहीं लिखा जाता है। फिर आगे है खरीद पुस्तक के योग की खतौनी मास के अंत में खाता बही के खरीद खातों के नाम पक्ष में की जाती है। जो कैश बुक होती है उसके योग की खतौनी मास के अंत में खाता बही के खरीद खातों के नाम पक्ष में की जाती है। नाम पक्ष आपको पता है, इस साइड होता है प्राप्ति साइड। माल आपूर्तिकर्ताओं की खतौनी दैनिक आधार पर की जा सकती है। क्रय पुस्तक से संबद्ध राशि की खतौनी, संबंधित खतौनी हमने बताया था, पोस्टिंग को कहते हैं, संबंधित खातों के जमा पक्ष में प्रतिदिन की जाती है। क्रय पुस्तक से संबद्ध राशि की खतौनी संबंधित खातों के जमा पक्ष में प्रतिदिन की जाती है। साधारणतया एक मास की अवधि के में अंत में क्रय पुस्तक के कुल योग की खतौनी क्रय खाते के नाम पक्ष में की जाती है। यदि लेन देन की संख्या बड़ी है तो वो खतौनी अन्य सुविधाजनक अंतराल जैसे दैनिक, साप्ताहिक या पाक्षिक आधार पर भी हो सकती है। यानी कि किसी अगर बिजनेस से डेली ज़्यादा ट्रांजेक्शन हो रहे हैं जिनको डेली के डेली आप पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, या तो उसको साप्ताहिक या वीकली बेसिस पर उनको मेंटेन किया जाता है, उनकी पेमेंट की जाती है, या फिर मंथली बेसिस पर उनकी पेमेंट की जाती है। वरना जैसे अगर डेली का एक या दो ट्रांजेक्शन्स हैं जिनको आसानी से मैनेज किया जा सकता है या मेंटेन किया जा सकता है रिकॉर्ड बुक में, तो उनकी डेली के डेली पेमेंट की जा सकती है, उनकी खतौनी डेली के डेली की जाती है। और ये क्रय रोजनामचा पुस्तक का एक छोटा सा फॉर्मेट है। तिथि जिस होती है जिसमें बीजक संख्या यानी कि रिसिप्ट नंबर होता है, यहाँ रिसिप्ट नंबर होता है जो कि इंडिकेट करता है कि यहाँ किसी को पैसे चुकाने हैं। फिर आपूर्तिकर्ता का नाम, जमा किए जाने वाला खाता, जिस यानी कि जो जिस खाते में पैसे को जमा करना है उसका नाम या फिर अकाउंट नंबर। फिर है इसमें प्रश्न संख्या और राशि और कितनी राशि जमा करनी है, अगर 500 रुपये है तो 500 रुपये जमा करने हैं। फिर है क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक, इसको कहते हैं जर्नल, परचेजेस रिटर्न जर्नल बुक। इस पुस्तक में उधार खरीदे गए माल की वापसी से संबंधित लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है। अब देख आपने जैसे देखा कि पिछले स्लाइड में हमने क्या बात की थी, क्रय पुस्तक यानी कि परचेजेस जर्नल बुक, इसमें क्या था कि इसमें उन खातों की प्रविष्टि की जाती है जिनको उधार में खरीदा जाता है। लेकिन मान लीजिए आपने उधार में कोई वस्तु खरीदी, आपकी इंडस्ट्री ने ए है और इसने उधार पे कोई वस्तु मंगाई और ये वस्तु अप टू द मार्क नहीं थी, जैसे ये रॉ मटेरियल आपकी इंडस्ट्री में जैसी आपने आपकी नीड थी, जिस क्वालिटी की, उस क्वालिटी पर ये खरा नहीं उतर रहा था, तो आपने इसको वापस कर दिया, तो इस तरह की एंट्री, और उधार में ही आपने लिया था और ये वापस हो गया या फिर उधारी पर वापस गया, आपने पेमेंट तो कैश में दी थी, कैश बुक में मेंटेन किया था, लेकिन अब इसको उधार में वापस गया क्योंकि इसका पेमेंट अब बाद में आएगा, तो इस तरह की रिटर्न के लिए अलग क्रय वापसी पुस्तक यानी कि परचेजेस जर्नल बुक, रिटर्न बुक में इसकी एंट्री की जाती है या इसका रिकॉर्ड किया जाता है। कई बार विभिन्न कारणों से माल के आपूर्तिकारों को खरीदा गया माल वापस किया जाता है, जैसे माल में आवश्यक गुणवत्ता की कमी या दोषपूर्ण माल, या आपने मंगाया कुछ था और आ कुछ और गया। फिर है प्रत्येक क्रय वापसी एक डेबिट नोट में बनाया जाता है, प्रत्येक क्रय वापसी एक डेबिट नोट में दो प्रतियों में बनाया जाता है, जिसकी प्रथम प्रति आपूर्तिदाता को भेज दी जाती है या जिसने की सप्लाई की थी उसको भेज दी जाती है,
जिसमें वो अपनी पुस्तकों में आवश्यक प्रविष्टि भी कर सके, यानी कि ये आपूर्तिदाता भी कोई बुक मेंटेन करता होगा, अकाउंट बुक मेंटेन की जाती होगी इसके पास भी, तो ये भी अपने यहाँ उस एंट्री को मेंटेन करेगा, और आपूर्तिदाता भी नोट बनाता है जिसे क्रेडिट नोट कहा जाता है, यानी कि क्रय वापसी के लिए डेबिट नोट बनेगा। अगर आप वापस कर रहे हैं तो आप डेबिट नोट मेंटेन करेंगे, डेबिट नोट, और जब उसके पास जो आपूर्तिदाता है, जो सप्लायर है, वो सप्लायर अपने यहाँ क्रेडिट नोट मेंटेन करेगा, क्योंकि उसके पास वापस क्रेडिट हो गई, वो वस्तु जमा हो गई। रोजनामचे में क्रय वापसी के अभिलेखन के लिए डेबिट नोट को स्रोत प्रलेख के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब ऑडिट किया जाएगा किसी कंपनी का, तो उसमें रोजनामचे में जो क्रय वापसी का अभिलेखन है, परचेजेस रिटर्न का जो रिकॉर्ड है, उसमें जो डेबिट नोट होगा वो स्रोत प्रलेख के रूप में प्रयोग करेगा, क्योंकि और डेबिट नोट की आपके पास प्रतिलिपि रहेगी, एक कॉपी आपके पास रहेगी, और एक कॉपी आपूर्तिकर्ता को, सप्लायर को भेज दी जाती है, और एक कॉपी कंपनी, जो इंडस्ट्री जिसने वापस किया है, उसके पास रहती है। डेबिट नोट में उस विक्रेता का नाम जिससे माल वापस किया गया है, वापस किए गए माल का विस्तृत विवरण, माल वापसी के कारण आदि का उल्लेख होता है। जो डेबिट नोट होता है इनमें, उसमें उस विक्रेता का नाम जिससे माल खरीदा गया था और उसको वापस किया गया है उसका नाम होता है, वापस किए गए माल का विस्तृत विवरण होता है कि कौन सा माल मंगाया था और कौन सा आ गया, फिर माल वापसी का कारण क्या कारण है, तो और आदि का उल्लेख होता है। प्रत्येक डेबिट नोट को तिथिवार लगाया जाता है और इसको भी डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मेंटेन किया जाता है, और ये इसका क्रय वापसी रोजनामचा पुस्तक का एक फॉर्मेट है, जिसमें तिथि, बीजक संख्या, आपूर्तिकर्ता का नाम बिल्कुल पहले वाले ही की तरह है, क्रय पुस्तक की तरह, परचेजेस जर्नल की तरह, लेकिन उसमें फर्क क्या है, यहाँ नाम जो है किए जाने वाला खाता है, नाम यानी कि प्राप्ति की जाने वाली खाते, जिस खाते में प्राप्ति होनी है, पैसे भुगतान की, पैसे की प्राप्ति होनी है, यहाँ वो नाम है, लेकिन उसमें क्या था, यहाँ जमा का था, जमा किए जाने वाला खाता, यानी कि जो सप्लायर को पैसा जा रहा है उसका नाम होना चाहिए था, अब यहाँ आपको पैसा आएगा तो इसमें आपका खाता या आपका नाम यहाँ लिखा रहेगा। आगे है विक्रय रोजनामचा पुस्तक, सेल्स जर्नल बुक। इस पुस्तक में व्यापारिक माल के सभी उधार विक्रय सौदों को विक्रय रोजनामचे में अभिलिखित किया जाता है, यानी कि जो जितना भी बिजनेस का जो रॉ मटेरियल होता है या गुड्स होते हैं, उसमें सभी उधार विक्रय, जितनी भी तरह की जो सेल्स हुई हैं, उसका अगर उधार में की गई हैं, वो उधार पर की गई जितनी भी सेल्स होती हैं, उसका जो रिकॉर्ड किया जाता है वो विक्रय रोजनामचा पुस्तक में किया जाता है। विक्रय पुस्तक का प्रारूप क्रय पुस्तकों के प्रारूप जैसा ही होता है। विक्रय पुस्तक में प्रविष्टियां एंट्री करने के लिए विक्रय बीजक यानी कि सेल्स बॉन्ड, फर्म आदि, फर्म द्वारा जारी ग्राहकों को जारी विपत्रों आदि को स्रोत प्रलेखों के रूप में प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो फर्म होती हैं वो जारी करती हैं अपना सेल्स बॉन्ड, यानी कि ये भी एक तरह की रिसिप्ट होती है, और या जो खरीदार है, जो आपसे, आपकी इंडस्ट्री से किसी तरह का प्रोडक्ट परचेज कर रहा है, तो उसके लिए तो परचेजिंग हुई, तो वो आपको एक तरह की रिसिप्ट देगा, तो वो भी सेल्स बॉन्ड का ही के नाम से ही जानी जाती हैं। विक्रय पुस्तक में विक्रय की तिथि, बीजक संख्या, ग्राहक का नाम एवं बीजक प्रयोग किया जाता है। विक्रय पुस्तक में विक्रय की तिथि, बीजक संख्या, बीजक की राशि भी लिखे जाते हैं। आगे विक्रय सौदे के अन्य विवरण, भुगतान की शर्तें आदि का विवरण बीजक में ही उपलब्ध रहता है। वास्तव में प्रत्येक विक्रय के लिए बिक्री बीजक की दो या दो से अधिक प्रतियां बनाई जाती हैं। खाता लिखने वाला लेखाकार बिक्री बीजक की एक प्रति से ही विक्रय रोजनामचे में प्रविष्टियां करता है। बिक्री रोजनामचे में एक अतिरिक्त स्तंभ ग्राहकों से वसूल बिक्री कर अभिलेखन करने के लिए जोड़ा जा सकता है, क्योंकि इस कर का भुगतान एक निश्चित समय अवधि के अंत में या मास के अंत में बिक्री पुस्तक का योग बिक्री खाते के जमा पक्ष में प्रविष्ट कर दिया जाता है। यानी कि जो बिक्री होती है सेल्स किसी भी इंडस्ट्री की, उस पर किसी तरह कुछ टैक्स भी इम्पोज किया जाता है, कुछ टैक्स भी उससे वसूला जाता है, तो उस टैक्स के लिए किस बिक्री पर, अगर मान लीजिए 100 रुपये की कोई बिक्री है और उस पर 18% गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगाया गया है, तो उस पर 18 रुपये जो वसूल किए जाने हैं, उस 18 रुपये के लिए एक अलग से टैक्स का कॉलम इंक्लूड किया जाएगा, ताकि उसकी वसूली की जा सके, क्योंकि ये सेल्स क्या हो सकता है, पैसा कुछ दिन बाद भी आए, लेकिन जो टैक्स का पैसा है वो समय पर तिथि अनुसार या समय समय पर निश्चित समय अवधि में गवर्नमेंट को पहुंचाना होता है, इसलिए उसकी वसूली पहले कर ली जाती है। फिर ग्राहकों के व्यक्तिगत खातों में इनकी दैनिक खतौनी दैनिक आधार पर भी की जा सकती है। आगे है विक्रय वापसी पुस्तक या सेल्स रिटर्न जर्नल बुक। इस रोजनामचे का प्रयोग ग्राहकों द्वारा माल की वापसी को अभिलिखित करने के लिए किया जाता है।
जब ग्राहकों द्वारा माल की वापसी होती है तो क्रेडिट नोट तैयार किया जाता है, जिस प्रकार क्रय वापसी की दशा में डेबिट नोट बनाया जाता था जाता है। जैसे आपने पढ़ा था कि क्रय वापसी में क्या करना पड़ता था, क्रय जब वापसी होती थी, जो आपने उधार वापसी जिसमें आप अपना माल जो आप गलत आ जाता था या जो गुणवत्ता उसके अनुसार नहीं होता था, तो सप्लायर को, आपूर्तिकर्ता को ये माल वापस कर दिया जाता था, सप्लायर को वापस कर दिया जाता था। तो आप क्या करते थे, डेबिट नोट तैयार करते थे, जो जो बिजनेस था वो डेबिट नोट तैयार करता है और सप्लायर हुए क्रेडिट नोट तैयार करता है। इसी तरह अब यहाँ पर आप सप्लायर हैं, यानी कि आप आपका रॉ मटेरियल है और आपके पास कोई ग्राहक इंडिविजुअल आता है, एक इंडिविजुअल ग्राहक आता है, आपने उसको कोई माल सप्लाई करा, हो सकता है वो माल गलत हो गया हो या फिर वो उसकी गुणवत्ता के अनुसार, उसने जो गुणवत्ता की अपेक्षा की थी उस अनुसार ना हो, तो ये भी आपके माल को वापस करने आया है। तो जब ये आपके माल को वापस करेगा तो अब आप क्रेडिट नोट तैयार करेंगे, पहले सप्लायर कर रहा था, अब यहाँ पर आप सप्लायर हैं तो आप यहाँ क्रेडिट नोट तैयार करेंगे और ये इंडिविजुअल डेबिट नोट तैयार करेगा, जिस तरह आपने क्रय वाले उसमें किया था कंडीशन में, यहाँ विक्रय वाली कंडीशन में ठीक इसका उलट है। आप यहां पर अपने आप को सप्लायर मान सकते हैं और ये एक बिजनेस अलग हो सकता है, ये आपके बिजनेस हो सकता है और ये सप्लायर हो सकता है, उल्टा भी मानकर आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। अब यहां पर आपको क्रेडिट नोट तैयार करना है और इंडिविजुअल को डेबिट नोट, आपके ग्राहक को डेबिट नोट तैयार करना है, यानी कि इस रोजनामचे का प्रयोग ग्राहकों द्वारा, जब ग्राहक आपके कोई माल या आपका आपका बिजनेस है ए और ये कोई ग्राहक है बी, ये आपका कोई माल आपको लौटा रहा है, तो इस कंडीशन में क्रय वापसी पुस्तक सेल्स रिटर्न बुक का इस्तेमाल किया जाता है, सेल्स रिटर्न बुक का प्रयोग किया जाता है, इसको इस बुक में मेंटेन इस तरह के अकाउंट को किया जाता है। और जब माल वापस होता है तो जो बिजनेस है वो क्रेडिट नोट तैयार करेगा और जो ग्राहक है वो डेबिट नोट तैयार करता है। डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में यही अंतर है कि डेबिट नोट विक्रेता द्वारा तैयार किया जाता है जबकि क्रेडिट नोट क्रेता द्वारा तैयार किया जाता है। यहाँ क्रेडिट और डेबिट नोट में अंतर बताया गया है कि क्रेडिट नोट क्रेता द्वारा तैयार किया जाता है और जबकि डेबिट नोट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, डेबिट नोट बेचने वाले द्वारा तैयार किया जाता है और क्रेडिट नोट खरीदार द्वारा तैयार किया जाता है, यानी कि अब यहाँ पर आप खरीद रहे हैं, इससे वापस ले रहे हैं, तो ये आपके द्वारा यहाँ तैयार किया जाएगा, इसमें कन्फ्यूज मत हो जाना। डेबिट नोट की तरह क्रेडिट नोट की भी मूल और प्रतिलिपि तैयार की जाती है जिसमें ग्राहक संबंधी विवरण जैसे कि ग्राहक का नाम, वापस हुए माल का विवरण तथा मूल्य राशि लिखी जाती है। इसमें ग्राहक का नाम भी होता है, जो माल उसने वापस किया है उसका स्टेटमेंट, उसका पूरी डिटेल्स भी होती हैं, उसकी डिटेल्स होती हैं, प्लस उसमें कितने का माल वापस किया है वो राशि, वो अमाउंट भी इसमें इंक्लूड की जाती है। फिर प्रत्येक क्रेडिट नोट क्रम अनुसार एवं तिथि अनुसार तैयार किया जाता है। विक्रय वापसी पुस्तकों में प्रविष्टियों के अभिलेखन हेतु मूल विपत्र सामान्यतः क्रेडिट नोट होता है। खरीद रोजनामचे की तरह विक्रय वापसी रोजनामचे में भी माल वापसी की स्थिति में ग्राहक के खाते को वापस किए गए माल के मूल्य से जमा किया जाएगा तथा विक्रय वापसी खाते की खतौनी अवधि शेष के अंत में किए गए योग के नाम से जमा की जाएगी। यहाँ क्या बताया गया, खरीद रोजनामचा जो होता है इसकी तरह विक्रय वापसी रोजनामचे में भी माल वापसी की स्थिति में ग्राहक के खाते को वापस किए गए माल के मूल्य से जमा किया जाएगा तथा विक्रय वापसी खाते की खतौनी अवधि विशेष के अंत में किए गए योग के नाम से जमा की जाएगी। फिर है मुख्य रोजनामचा जनरल प्रॉपर। ऐसे लेनदेन जिनकी प्रथम प्रविष्टि किसी अन्य पुस्तक में नहीं की जाती उन्हें प्रथमता पुस्तक में लिखा जाता है, उसे मूल रोजनामचा या जनरल प्रॉपर कहते हैं। जिनकी कौन सी प्रविष्टि, ऐसी एंट्री जिनकी ऐसे ट्रांजेक्शन जिनकी एंट्री किसी भी पुस्तक में नहीं की जाती उनको जिस पुस्तक में लिखा जाता है उसको मुख्य रोजनामचे या जनरल प्रॉपर कहते हैं। इस रोजनामचे में निम्न लेन देनों का अभिलेखन किया जाता है। कौन कौन से लेन देन है, पहला है आरंभिक प्रविष्टि, नए लेखांकन वर्ष के आरंभ में नई लेखा पुस्तकें आरंभ करने के लिए परिसंपत्तियां, एसेट्स, देनदारियां, लायबिलिटीज तथा पूंजी, कैपिटल आदि के आरंभिक शेष की प्रविष्टि इसी रोजनामचे में की जाती है। यानी कि जितना भी इसकी जो आरंभिक शेष है, इसका आरंभिक स्टार्टिंग जो पैसा है उसकी एंट्री इस आरंभिक प्रविष्टि रोजनामचे में की जाती है। दूसरा, समायोजन प्रविष्टियां, जिस उपार्जन के आधार पर यानी कि एक्रुअल के आधार पर खाता बही की प्रविष्टियां लेजर अकाउंट की एंट्री को वर्ष के अंत में ठीक करने के लिए कई बार कुछ समायोजन प्रविष्टियां करनी पड़ती हैं, जैसे किराया, बीमा मूल्य, मूल्यह्रास आदि। ये सभी प्रविष्टियां मूल रोजनामचे से ही में ही अभिलिखित की जाती हैं। फिर आपका शोधन प्रविष्टियां, मूल प्रविष्टि की पुस्तकों में अशुद्धियों के शोधन व उनकी खतौनी खाता बही में करने के लिए भी इसी रोजनामचे का प्रयोग किया जाता है।
फिर है स्थानांतरण प्रविष्टियां, लेखांकन वर्ष के अंत में आहरण खाते के शेष स्थानांतरण पूंजी खाते में किया जाता है। व्यय या आगम खाते जिनका संतुलन कुछ विशेष लेन देनों को अभिलिखित करने के कारण नहीं किया गया था, व्यवसाय की क्रियाओं से संबंधित खाते जैसे विक्रय, क्रय आगम, अधिलाभ व्यय आदि को वर्ष के अंत में बंद कर इनका शेष व्यापारिक या लाभ हानि खाते में इसी रोजनामचे में प्रविष्टियों के द्वारा स्थानांतरित किया जाता है। इन सभी प्रविष्टियों को अंतिम प्रविष्टियां कहते हैं। इसके अलावा अन्य प्रविष्टियां होती हैं जो उपरोक्त जितनी भी प्रविष्टियां बताई गई हैं, जिसमें प्रारंभिक है प्रविष्टि है, समायोजन प्रविष्टि, आरंभिक प्रविष्टि, समायोजन प्रविष्टि, शोधन प्रविष्टि और स्थानांतरण प्रविष्टि। इन सारी एंट्रियों के अलावा जो एंट्रियां होती हैं उनको अन्य प्रविष्टियां यानी कि अदर एंट्रीज में लिखा जाता है। फिर है खातों का संतुलन, बैलेंसिंग द अकाउंट्स, आखिरी लास्ट टॉपिक हमारा आज का। खाता बही में खातों को एक निश्चित अवधि के अंत में ही संतुलित किया जाता है। साधारणतया यह समय लेखांकन वर्ष के अंत में होता है, यानी कि जो भी एक फाइनेंशियल ईयर होता है उसी के अंत में ही खाते को बैलेंस किया जाता है। यहाँ उद्देश्य व्यवसाय की वास्तविक स्थिति का अनुमान लगाना है, यानी कि वो घाटे में चल रहा है, आपका हानि में चल रहा है, लाभ डेफिसिट में है या फिर प्रॉफिट में है, प्रॉफिट में है या लॉस में चल रहा है। खातों के संतुलन से तात्पर्य है नाम व जमा पक्ष के कुल योग का बराबर होना, यानी कि प्राप्ति और भुगतान का पक्ष का दोनों का बराबर होना, डेबिट और क्रेडिट का। इसके लिए सबसे पहले दोनों पक्षों को अलग अलग योग निकाला जाता है, जो प्राप्तियां आई हैं उनका योग और भुगतान आए हैं उनका योग। फिर दोनों पक्षों के योग के अंतर की गणना की जाती है। अब मान इन दोनों के योग का जो आता है, मान लीजिए यहाँ 2000 आया, यहाँ 1000 आया या 1500 आया, इनका अंतर की गणना की जाती है। इसके बाद इस अंतर की राशि को उस पक्ष में लिखा जाता है जिसका योग कम था, यानी कि अब यहाँ पर 1000 रुपये का अंतर आया है तो 1000 रुपये की राशि को यहाँ लिखा जाएगा जिसका अंतर कम आया है। इसमें इस प्रकार दोनों पक्षों का योग बराबर हो जाता है। यदि नाम पक्ष का योग जमा पक्ष के योग से अधिक हो तो अंतर की राशि जमा पक्ष की ओर लिखी जाएगी, यानी कि नाम पक्ष का योग, नाम पक्ष यही वाला होता है प्राप्ति वाला, और भुगतान पक्ष जमा पक्ष होता है। यदि नाम पक्ष का योग जमा पक्ष के योग से अधिक हो, यानी कि नाम पक्ष का यहाँ योग कितना था 2000 और जमा पक्ष का 1000 रुपये, तो इसका जिसका अंतर अधिक होगा तो अंतर की राशि को जमा पक्ष की ओर लिखा जाएगा, यानी कि यहाँ जो अंतर 1000 रुपये का आया उस 1000 रुपये को भुगतान पक्ष के अंदर लिखा जाएगा। और यदि जमा पक्ष का योग नाम पक्ष के योग से अधिक हो, और मान लीजिए नाम पक्ष में 1000 रुपये थे और जमा पक्ष में 2000, तो अंतर कितने का आया, अब भी 1000 रुपये का, तो जो जिस तरफ कम है यानी कि नाम पक्ष में 1000 रुपये कम है तो अब नाम पक्ष में इस 1000 रुपये को लिखा जाएगा, तो अंतर की राशि नाम पक्ष में लिखी जाएगी। यदि यह अंतर नाम पक्ष में लिखा जाए तो खाते के ऐसे शेष को नाम शेष यानी कि रिसिप्ट शेष, रिमेनिंग रिसिप्ट, तथा जमा पक्ष में लिखा जाए तो ऐसा शेष क्रमशः जमा शेष कहलाता है। हानियां एवं व्यय के खाते और अभिवृद्धियां एवं आगमों के खातों को संतुलित नहीं किया जाता, अपितु उनके शेष को लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर प्रतिवर्ष उन्हें बंद कर दिया जाता है। तो आज के लेक्चर में हमारा इतना ही, अगले लेक्चर में हम अपने अगले टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू।